चलो तो हम लोग इस चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, तो मैंने बताया कि इसमें आपको स्टडी क्या करना है। तो इन दिस चैप्टर इन दिस प्ले वी हैव टू स्टडी अ रिलेशनशिप बिटवीन एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल चाइल्ड, अ स्मॉल बॉय हु मेट इन अ गार्डन। ठीक है, और वहां पे बोथ हैड क्या जो डिफरेंट डिफरेंट क्या जो अंडरस्टैंडिंग। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी ये दोनों यूनाइट कैसे होते हैं, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग को एक एक करके स्टडी करना है। तो चलो हम लोग वन सीन फर्स्ट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं क्या है इसमें। तो मिस्टर लैम्स गार्डन, तो पहला तो आपने देखा कि वो ओल्ड मैन का नाम क्या, मिस्टर लैम, याद रखना इसको। और ये गार्डन किसका, मिस्टर लैम का गार्डन है। ठीक है, तो देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रस्टलिंग। तो यहाँ पे आप देखते हो गार्डन है, तो गार्डन में चिड़ियों की ही चहचहाहट होगी, चिड़िया जो है वो क्या कर रही है, चैरपिंग कर रही है, प्लस पत्तियों के आवाजें आ रही है, बस पत्तियों के हिलने की आवाजें आ रही है, ये सब चीजें है। तभी अचानक डेयरी, अब यहाँ पे देखो डेयरी DEERY, डेयरी कौन है, तो वो स्मॉल बॉय है। तो इसमें दोनों कैरेक्टर के नाम आपने देख लिए, ओल्ड मैन का नाम क्या है मिस्टर लैम, और जो बच्चा है उस बच्चे का नाम क्या है डेयरी। ठीक है, तो डेयरी जो है वो क्या करता है, डेयरीज फुट फुट स्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस। अब डेयरी क्या होता है कि मेन गेट से नहीं आता है, दीवार फांद के, मतलब गार्डन चारों तरफ से घेरा हुआ, तो दीवार को फांद के वो फैन जो उसको जंप करके तब गार्डन के अंदर इंटर कर जाता है। और वो धीरे धीरे बड़े सावधानी के साथ आगे बढ़ता है, वो सोचता है कि इस गार्डन में कोई नहीं है, बट उसके पैरों के नीचे जो बड़े बड़े घास दब रहे हैं उसकी कुछ आवाजें इसको सुनाई देती हैं। ही पॉज, अचानक वो रुक जाता है। ध्यान देना, डेयरी जो है वो मिस्टर लैम के गार्डन के अंदर इंटर कर चुका है चोरी छिपे। ही कम्स राउंड ए स्क्रीन ऑफ बुशेस, वो रुकता है फिर आगे बढ़ता है, अचानक झाड़ियों के बगल में वो पहुंचता है। सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम ही इज क्लोज एट हैंड एंड डेयरी इज स्टार्टेड। ओके बेट, ओके। तो आपने क्या देखा कि ये जो बच्चा है वो जैसे धीरे धीरे आता है, अचानक मिस्टर लैम जो है बोलते कौन, और वहां पे डैरी जो है वो एकदम स्टार्ट है, मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, चंबा हो जाता है, बता रहे यार मैंने को तो लगा था कि इस गार्डन में कोई है नहीं, बट इस गार्डन में तो एक बंदा मौजूद है। तो ये स्टोरी सीन फर्स्ट है। तो क्या होता, चलिए आगे आइए। मिस्टर लैम बोलते हैं कौन है भाई, माइंड द एप्पल, थोड़ा सा एप्पल से बच के रहना। एक्चुअली उनका जो गार्डन है उसमें एप्पल्स बोया हुआ है, ठीक है, एप्पल्स का ट्री प्लांट है। तो उसको बताते हैं भैया जो भी हो एप्पल से बच के। डेरी, व्हाट, क्या आपने बोला, हुज दैट, कौन है वहां पे, एंड हुज देयर, कहाँ है वो बंदा जो ये मुझे आदेश दे रहा है। मिस्टर लैम बोलते हैं, लैम्स माई नेम, मेरा नाम लैम्स है, ठीक है, बट एक चीज मैं बता दूं, माइंड द एप्पल्स, वो जो एप्पल्स है एप्पल से बच के रहो, क्रैब एप्पल 2000, ये सारे एप्पल जो ऊपर खट्टे हैं, क्रैब एप्पल्स मतलब जो खाने के समय होता है दांत एकदम खट्टे हो जाए उस तरह का ये एप्पल्स है। तो एप्पल एप्पल से बच के रहो आप लोग। वाइंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रासेस, और बहुत सारे एप्पल जो वो पर जो घास है घास में चारों तरफ बिखरे हुए हैं, ठीक है, तो यू कुड ट्रिप, तुम गिर सकते हो, बच के रहो। तो यहाँ पे ओल्ड मैन जो है वो ऐसा नहीं कि बच्चे को बता रहे कि चोरी मत करना, वो बता रहे कि एप्पल की वजह से तुम गिर सकते हो, चोट लग सकती है, इसलिए थोड़ा सा बच के सतर्क होके आओ। जेरी यहाँ पे अब जवाब देता है, आई देयर आई थॉट आई मैं वहां एक्चुअली आई थॉट, मैंने सोचा था कि दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, इस गार्डन में कोई बंदा ही नहीं होगा, खाली जगह होगा। आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि यहाँ पे कोई दूसरा बंदा भी मौजूद होगा जो कि आप यहाँ पे हो। क्या गार्डन मिस्टर लैम्ब का है तो वहां पे मौजूद कोई दूसरा थोड़ी ना होने जा रहा है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, दैट्स ऑल राइट, चलो ठीक है, आई एम हियर, मैं यहाँ हूं।
बट व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुमको डर किस बात का बच्चे? डरने की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल राइट, सब सही है, चिंता नहीं करो, मैं कुछ बोलने वाला नहीं, मैं कुछ करने वाला नहीं। जेरी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी एंड एम्प्टी हाउस, मुझे लगा था ये गार्डन खाली है, और वो जो घर है गार्डन के जस्ट बगल में घर है, वो घर जो है वो भी खाली है, मुझे ऐसा लगा था। ठीक है मिस्टर लैम्बो, तो हाँ ऐसा तो है, सो इट इज, हाँ तो ठीक तो है, घर तो जो है इट इज, इट किसके लिए? तो घर के लिए, हाँ घर तो खाली है, क्यों? सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, क्योंकि मैं गार्डन में हूँ, जब मैं ही उस घर में रहता हूँ तो मैं घर से बाहर गार्डन में, तो क्लियर है घर तो खाली होगा। इट इज एम्प्टी, घर पूरी तरीके से खाली है, अंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब तक कि मैं घर में वापस ना जाऊं। इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर लाइकली टू स्टॉप, एक्चुअली मैटर ऐसा है कि मैं इस समय, जैसे देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल डे है, कितना खूबसूरत मौसम है, और इस सुहाने मौसम में घर के अंदर रहे, घर के अंदर रह के कौन अपना टाइम पास करे, कौन टाइम बर्बाद करे, इसलिए मैं घर के बाहर हूं। डेरी थोड़ा सा डरता है, थोड़ा सा पैनिक होता है, और फिर बोलता है आई हैव गॉट टू गो, अच्छा ठीक है मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। मिस्टर लैम्प बोलते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, I don't mind who comes into the garden. चिंता नहीं करो, मेरे वजह से तुम बाहर मत जाओ, क्योंकि मैं तुमको कुछ बोलने वाला नहीं, मैं तुमको डांटने वाला नहीं, मैं तुमको स्कॉल करने वाला नहीं, ठीक है? I don't mind who comes into the garden. मेरे को इससे कोई मतलब नहीं कि कौन मेरे गार्डन के अंदर आता है, कौन मेरे गार्डन के बाहर जाता है। The gate is always open. गेट तो तुम्हारा हमेशा खुला रहता है, तुम किस लिए जंप करके ऊपर से आया? Only you climbed garden wall. केवल तुम वो पहले इंसान हो, पहले बच्चे हो जो गार्डन के दीवार को जंप करके तुम आए, तुम मेन गेट से भी आ सकते थे। डैडी जो है वो थोड़ा सा गुस्सा होता है, थोड़ा सा एंग्री होता है, और उसके बाद बोलता अच्छा यू वर वॉचिंग मी, मतलब तुम मुझे देख रहे थे, तुम मुझ पे चकचकी लगाए रखे थे। मिस्टर लैम आई शो यू, हाँ मैंने तुम्हें देख लिया, बट द गेट इज ओपन, देखो वो गेट जो है, गेट तो खुला है, गेट तो बंद ही नहीं है, ऑल वेलकम, हम लोग सबका स्वागत करते हैं इस गार्डन में, यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है। आई सिट हियर, देखो मैं यहाँ पे बैठता हूँ, आई लाइक सिटिंग, मुझे बैठना पसंद है। जेरी बोलता है आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, एक्चुअली अगर आपको कुछ ऐसा समझ में आ रहा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे चोरी करने के लिए कुछ नहीं आया हूँ। मिस्टर लैम्प बोलता नो 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 नो, अरे ऐसी बात, मैंने बोला कि तुम चोर हो। द यंग लैड्स स्टील, जो छोटे बच्चे होते हैं वो चोरी करते हैं, स्क्रम द एप्पल, वो एप्पल चुराते हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम उतने छोटे बच्चे थोड़ी ना, तुम तो बड़े हो गए हो, तो तुम चोरी तो कर नहीं सकते। डैडी बोलता है यस I just wanted to come in into the garden. केवल मेरा ये इच्छा थी कि मैं गार्डन में आऊं, गार्डन में थोड़ा सा enjoy करूं बस, और उसके बाद मैं जाना चाह रहा था, ठीक है? तो अब मैं जा रहा हूं। मिस्टर लैम, अच्छा तुम गार्डन में थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए आए थे, तुम्हारी इच्छा थी इसलिए, ये ना? तो तुम आ गए, हियर वी आर, हम लोग यहाँ पे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। जेरी यहाँ पे बोलता है यू डोंट नो हु एम आई, एक बात बताए तुमको ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ। अब जेरी थोड़ा सा धमकी भरे अंदाज में बोलता है यू डोंट नो हु एम आई, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं। मिस्टर लैम बोलता है बॉय 13 और सो, अरे मुझे पता नहीं है तुम एक लड़के हो, 13 साल या फिर थोड़ा इधर उधर हो गए, 12 13 14 15 यही साल होगा तुम्हारा। जेरी बोलता है 13 14 ईयर्स, और उसके बाद कुछ देर के लिए रुकता है। But I have got to go now. लेकिन अब मुझे जाना चाहिए, गुड बाय, ठीक है चलो ठीक है गुड बाय। मिस्टर लैम्प यहाँ पे बोलते हैं अरे भाई नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। चोरी करना जो एप्पल्स गिरे हुए हैं ना उनको चोरी करना, स्क्रम द एप्पल्स, जो खट्टे एप्पल्स हैं उनको चोरी करने के लिए जो यंग लैड्स आते हैं उनकी बात की जा रही है।
14. Okay. Mr. Lamp, nothing to be afraid of. डरने की जरूरत नहीं, जस्ट अ गार्डन. ये तो केवल गार्डन है. जस्ट मी, और केवल मैं हूं. डैरी, डैरी यहां पे बोलता है. बट आई एम नॉट, आप ऐसा ना सोचो कि मैं डर रहा हूं, ठीक है. आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा हुआ नहीं हूं. कुछ देर रुकता है, उसके बाद फिर बोलता है, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मुझसे डरते हैं, मैं लोगों से नहीं डरता. अच्छा, तुमसे लोग डरते हैं, क्यों भाई? मिस्टर लैम्ब बोलते, वाई शुड दैट बी, लोग तुमसे क्यों डरते हैं ये भी बता दो. जेरी यहां पे बोलता है, एवरीवन इज, हर एक बंदे को मुझसे डर लगता है, हर एक बंदा मुझसे डरता है. इट डज नॉट मैटर हु दे आर, ये कोई मैटर नहीं करता कि वह बंदा कौन है और व्हाट दे से, और वो लोग क्या बोलते हैं और हाउ दे लुक, वो कैसे दिखते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, वो क्या बहाने बनाते हैं. आई नो, मुझे पता है, आई कैन सी, मैं हर चीज देख सकता हूँ. मिस्टर लैम्प, सी व्हाट, अच्छा क्या देख सकते हो? डेरी बोलता, व्हाट दे थिंक, कि वो लोग क्या सोचते हैं. मिस्टर लैम्प बोलते, अच्छा अच्छा एक बात बताओ, व्हाट डू दे थिंक देन, अच्छा वे जो भी सोचे उससे क्या. अब डेरी यहाँ पे जवाब देता है, देखो यहाँ पे क्या है, आखिर डेरी के अंदर ऐसा क्या पॉइंट है जिसकी वजह से पूरी दुनिया उससे डर रही है. अकॉर्डिंग टू डेरी, यू थिंक हियर इज अ बॉय, तुमको लगता है कि मैं एक बच्चा हूँ, सही है ना. अब डेरी जो है वो मिस्टर लैम्प से ये बात बोल रहा है, तुमको लगता है कि यहाँ पे एक बच्चा है केवल. यू लुक एट मी, तुम मुझे देख रहे हो, एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, और तुम्हें मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है और तुम सोच रहे हो, दैट्स बैड, और ये बुरा है. That's a terrible thing, ये बहुत ही भयानक चीज है. That's the ugliest thing, ये बहुत ही गंदा चीज है. आई अवश्य जो मैंने देखा है. You think, तुमको ये लग रहा होगा ना, poor boy, बेचारा लड़का. But I'm not, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बेचारा नहीं हूं. अब देखो हुआ क्या है कि डेरी का जो फेस है, उसके एक तरफ का जो फेस है वो क्या है, तेजाब वजाब से जल गया है, ठीक है. जल गया तो उसके चेहरे पे बहुत सारे उस तरह के बन चुके हैं, क्या बोलते हैं वो, अब तेजाब से जलने के बाद चेहरा किस तरीके से सिकड़ के बन जाता है वो तो आप लोग जानते ही हैं. तो यहाँ पे कहते हैं कि डेरी जो है उसका एक तरफ का चेहरा पूरा जला हुआ है, तो वो ये बताता है कि तुमने मुझे देखा होगा और देख के तुमको लगा कि भाई बहुत ही टेरिबल चीज है, बहुत ही ये जो मेरा गाल तेजाब से जला हुआ है बहुत ही अग्रेस्ट थिंग है, और तुमको लगा कि मैं बेचारा बच्चा. But I am not, लेकिन मैं बेचारा नहीं हूं. Not poor, naive. Underneath, you are afraid. और तुम डर रहे हो. Anybody would be. और खैर यहाँ पे जो भी होगा, जो भी मुझे इस तरीके पे देखेगा वो डरेगा ही, जैसा कि मैं हूं. When I look in the mirror, जब मैं अपने आप को चेहरे में देख, अपने आप के चेहरे को जब मैं मिरर में देखता हूँ, I am afraid of me. तो मुझे मुझे भी अपने आप से डर लगने लगता है. तुम्हारी बात ही छोड़ो. तो क्लियर है कि तुम सब मुझसे डर रहे हो. Everybody. सब के सब डर रहे हो. Mr. Lamb. No, not the whole of you. Not of you. नहीं, ऐसा तो तुमको, ये तुम सोच क्यों रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. नॉट द होल ऑफ यू, मैं तुमसे नहीं डर रहा हूं, तुमसे कभी नहीं डर रहा हूं मैं. डेरी, यस आप डर रहे हो, ये बोलकर रुक जाता है. मिस्टर लैम्प बाद में चल के बोलते हैं, अच्छा लेटर ऑन, आगे बोलते हैं, वन इट्स अ बीट कूलर, चलो ठीक है, आई विल गेट द लेडर एंड स्टिक एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स. अब ये क्या करते हैं, बात को बदलते हैं यहाँ से, अब मैटर को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत अच्छा, एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा एक सीढ़ी लेके आता हूँ और एक स्टिक लेके आता हूँ, उसके बाद जितना भी पेड़ पे जो क्रैब एप्पल है, जो खट्टे एप्पल्स हैं, इन सबको मैं नीचे हम लोग तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद दे आर राइप फॉर इट, और वो सब पक चुके हैं अकॉर्डिंग टू मी, एंड आई मेक जेली, और इससे मैं जेली बनाऊंगा. इट्स गुड टाइम ऑफ ईयर, सेप्टेम्बर का ये महीना चल रहा है,
और इस समय ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा। लुक एट हिम, देखो कितना अच्छा लग रहा है, ऑरेंज एंड गोल्डन, दैट्स मैजिक फ्रूट। ये बहुत ही मैजिकल फ्रूट है, आई ऑफेंस मैं अक्सर बोलता हूं, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली। और ये वो सही महीना है सितंबर का कि इसको तोड़ा जाए और इससे जेली बनाया जाए। यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब मिस्टर मैम जो है इस पॉइंट को बदलना चाह रहे हैं, इसके दिमाग में जो निगेटिविटी भरी हुई है इसको हटाया जाए। फिर डेरी जो है वो क्या बोलना शुरू करता है, ध्यान देंगे, व्हाट हैव यू चेंज्ड द सब्जेक्ट फॉर। आप जो मेन सब्जेक्ट, जो मेन मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे थे उसको बदल क्यों रहे हो। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा यही करते हैं जो आप कर रहे हो। Why don't you ask me? आप मुझसे पूछते क्यों नहीं हो? Why do you do what they all do and pretend it is not true and is not there? आप वही करना आप वही क्यों करना चाहते हो जो सब करते हैं, सब करने की बहाने बनाते हैं। In case I see you looking and mind and get upset, फिर जो भी मैटर हो मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से घबराए हुए हैं, ठीक है। I will tell, मैं आपको बताऊंगा। Don't ask me because you are afraid. और खैर आपको पूछने की जरूरत भी नहीं क्योंकि आप डरे हुए हो, तो आप कुछ मुझसे पूछो मत, आप मैटर बता लो, मैं समझ रहा हूँ। मिस्टर लैम्प सोचते हैं कि भाई इसको इधर उधर घुमाने को कोई फायदा है नहीं, जब ये बताना चाहता है तो बताए क्या बात है। अच्छा बोलो क्या 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 मैटर है बताओ। मिस्टर लैम्प बताते हैं, यू वॉन्ट मी टू आस्क से सो दैट। मिस्टर लैम बोलता, अच्छा तुम ये चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पास क्या घटना घटी है, तो ठीक है बताओ, जब बताना चाहते हो देन यू कैन। जेरी आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल एनी पीपल, मैं किसी भी बंदे के साथ दोस्ती करना नहीं चाहता, मैं किसी को पसंद नहीं करता, मैं किसी के साथ रहना नहीं चाहता, कोई भी नहीं, एनी पीपल किसी भी बंदे के साथ नहीं। मिस्टर लैम आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से You get bored into. देखो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, देखो देखो मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा एक तरफ का चेहरा जो है वो आग में जल गया होगा, according to मुझे ऐसा लगता है। अब आप देख रहे हो ये है मिस्टर लैम जो कि चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे तो वहां पे कुछ ईट उठ कर रखा है उसे बैठे हैं। ये है डेरी, इसके चिप को देख रहे हो यहाँ पे एक तरफ ये जला हुआ है ये एरिया, और इन दोनों के बीच का डिस्कशन चल रहा है। डेरी नॉट इन अ फायर, मेरे एक तरफ के जो गाल चिक हैं वो जले तो हैं लेकिन वो आग में नहीं जले हैं। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माय फेस एंड इट बर्न इट ऑल अवे, और उस एसिड के वजह से मेरा चेहरा जो था एक साइड का पूरी तरीके से क्या हो गया, जल गया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस, और इस तरीके का बन गया। एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और ये कभी अलग नहीं होगा, जैसा है उसी तरीके से कंटिन्यू लाइफ टाइम रह जाएगा। अच्छा बच्चे को तो प्रॉब्लम है मिस्टर लैम बोलते हैं नो ऐसा कुछ नहीं है। डेरी आरंट यू इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। मिस्टर लैम यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन, तुम वो लड़के हो जो गार्डन में एंटर कर गए। प्लेंटी टू आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, एक्चुअली मैं जिस गार्डन में जो बंदे आते हैं मैं सब में इंटरेस्टेड होता हूँ, ऐसा नहीं कि स्पेशल आप ही हो। एनीथिंग एनीबडी एनीथिंग, कोई हो कुछ भी हो सब में मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ। देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी, भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो, मतलब नेचर की बने हुए हर एक चीजों में मुझे इंटरेस्ट है। तो तुम भी तो नेचर के द्वारा बनाए हुए इंसान हो। लुक ओवर देयर, देखो वहां पे, ओवर बिसाइड द फार वॉल, देखो वो दीवार के जस्ट पीछे, व्हाट कैन यू सी, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अब जेरी थोड़ा बहुत चिल्ला के बोलता, रबिश जस्ट कचरा, केवल डस्टबिन कूड़े, यही सब तो दिख रहा है। मिस्टर लैम्प बोलता, रबिश रबिश दिख रहा है,
लुक बॉय, देखो बच्चे लुक, देखो वहां पे व्हाट यू सी, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ईमानदारी से देखो क्या दिख रहा है। जेरी फिर देखता है एक बार, बड़े घूर के देखता है, उसके बाद बोलता है अरे भाई वहां पे तो मेरे को जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वीड्स, केवल घास है, स्टफ है, अनवांटेड प्लांट्स है, वीड्स है, यही सब चीजें तो दिखाई दे रही है। यस यस, मिस्टर लैम बोलते हैं सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग उसको वीड्स, वो वीड्स तो पता है आप लोगों को ना, वीड्स अनवांटेड प्लांट्स, जो हमारे खेतों में फसल के पास जो अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं ग्रो अप कर जाते हैं उसे हम लोग वीड्स कहते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि अच्छा कुछ उनमें कुछ लोग जो हैं उसको वीड्स कहते हैं। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग जो हैं वो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उसको वीड्स कहेंगे, इफ यू लाइक, अगर तुमको पसंद है तो। देन अ वीट गार्डन, दैट अगर तुमको पसंद है तो तुम इसको वीट गार्डन भी कह सकते हो, वीट गार्डन। देयर इज अ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, यहाँ पे फूल है, यहाँ पे फ्लावर्स भी है, ट्रीज भी है, हर्ब्स भी है, ऑल्सो हर तरह के यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं, बट ओवर द ईयर, लेकिन इन सब के बावजूद वीड्स, ये वीड्स की कोई रिक्वायरमेंट है क्या? आई ग्रो वीड्स, लेकिन मैं वहां पे वीड्स बोता हूं। व्हाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर, व्हाट इज द डिफरेंस? बोलता है कि कोई एक की बात करोगे तो कोई प्लांट बोता है, मतलब ये एक तरह का प्लांट ही है जिसको तुम वीड कहते हो, और दूसरा जो तुम फ्लावर बो रहे हो, तो वेयर इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस कहाँ पे, वीड्स एंड फ्लावर में डिफरेंस क्या है? दोनों तो नेचुरल चीजें हैं, दोनों की अपने अपने इंपॉर्टेंस है, तो इट्स ऑल लाइक, अरे आधा अगर ग्लास भरा हुआ है तो कुछ लोग बोलते हैं आधा ग्लास भरा है, तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आधा ग्लास खाली है, तो दोनों में कौन गलत है? बोथ आर राइट, दोनों के दोनों तो सही हैं, देखने का अपना अपना नजरिया है। अब कहने का मतलब अगर आप ब्लैक ग्लास पहन लो तो आपको पूरी दुनिया काली दिखाई देगी, वहीं पे रेड ग्लास पहन लो तो आपको सब चीज रेड दिखाई देगा। वाटर वही है, नमक मिलाओगे तो तुमको नमकीन पानी मिलेगा, शुगर मिलाओगे तो तुमको स्वीट पानी मिलेगा, तो अपने अपने सोच है, अपने अपने पॉइंट्स है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ लोग वीड्स बोते हैं, कुछ लोग फ्लावर्स बोते हैं, डिफरेंस कहाँ है? इट्स ऑल लाइफ, ये पूरी अपनी जिंदगी है, और इसी तरीके सेम एज यू एंड मी, तुम और मैं सेम वही है, तो इसमें कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई स्मार्ट है, कोई स्मार्ट नहीं है, कोई लॉन्ग है, कोई टॉल है, कोई ड्वार्फ है, कोई वाइट है, कोई ब्लैक है, इसमें कहाँ डिफरेंसेस है? ये सब तो नेचर ने बनाया इन चीजों को। डेरी बोलता है कि वी आर नॉट द सेम, हम दोनों एक नहीं है, एक जैसे नहीं है हम दोनों। मिस्टर लैम बोलता अच्छा अच्छा हाँ हाँ, हम एक जैसे कैसे हो सकते हैं? आई एम ओल्ड, मैं ओल्ड हूँ, मैं बुढ़ा आदमी हो चुका हूँ, एंड यू आर यंग, तुम अभी नौजवान हो, तुम बहुत छोटे हो, ये ना, यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, एंड आई हैव गॉट अ टीन लेग। अब देखो यहाँ पे एक और फैक्ट आपको जानने को मिल गया, तीन लेग मतलब वो इनका एक पैर नहीं है, और उस एक पैर की जगह पे इन्होंने तीन, देखते हो ना कि वो जो अपाहिज होते हैं वो पैर में तीन का वो लगा के तब वो धीरे धीरे चलते हैं जो भी है, तो वो तीन लेग इनका है। तो मेरे पास तीन लेग है, कोई इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, व्हाट इज द डिफरेंस? तुम्हारा चेहरा खराब है, मेरा पैर खराब है, तुम्हारा चेहरा खराब है बट तुम स्टैंड हो सकते हो, यहाँ वहां पेड़ पे चढ़ सकते हो, कूद सकते हो, फान सकते हो, मेरा चेहरा ठीक है बट मैं बैठा हुआ हूँ, मैं तुम्हारी तरफ भाग नहीं सकता, रन नहीं कर सकता, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ तो कमी है, तो कहाँ पे डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस? डेरी बोलता है कि अच्छा आप तो थोड़ा घुमा रहे हो भाई। डेरी बोलता है व्हाई हैव यू गॉट अ टीन लेग, अच्छा ये आप बताओ आपको ये टीन लेग क्यों, आपने टीन लेग का यूज क्यों किया है? स्टूडेंट यहां तक आप लोगों को स्टोरी समझ में आया? एवरीबॉडी ये प्ले समझ में आ रहा है ना?
प्ले कह क्या रहा है, प्रत्यूष कहां गया भाई? चलो ओके, तो यहां तक क्लियर है आप लोग को स्टोरी, ये प्ले क्लियर है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो विद डिफरेंस इट्स ऑल लाइफ, डिफरेंस कहां पे है, यही तो जिंदगी है। सेम एज यू एंड मी, तुम्हारी तरह मेरी तरह। जेरी अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहिए, बताओ सर वही हैव यू गॉट अ टीन लेग, आपको ये टीन लेग क्यों आपने यूज किया है? मिस्टर लैम रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ, मेरा जो ओरिजिनल जो पैर था वो ब्लोन ऑफ गायब हो गया, वो तक्का टूट गया हो या फिर जो भी हो बहुत साल पहले। लैमी लैम सम किड से, और बहुत सारे बच्चे मेरे पे कमेंट करते क्या जैसे लेमी लैम्प करके। I want you head them, तुमने तो सुना भी होगा गली में। You will लेमी लैम्प, तुम भी मुझे ये नाम बुला सकते हो। It fit, ये मेरे पे फिट भी बैठता है। और doesn't trouble me, और इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होता भाई। मेरा पैर नहीं है तो कोई मेरे को लंगड़ा बोलता तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आवाज नहीं तो कोई मुझे गूंगा बोलेगा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो दिखाई देता है, गुलाब को लोग गुलाब बोलते हैं, कांटे को लोग कांटा बोलते हैं, तो उसको क्या दिक्कत है? अब कांटे को कांटा बोलेंगे तो कांटा थोड़ी ना चिल्लाएगा भाई मेरे को कांटा क्यों, मेरे को भी गुलाब ही बोलो। तो मैं लंगड़ा हूं तो लोग मेरे को लैम्प बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्यों दिक्कत है? अगर तुम्हें कोई कुछ बोलता है तो सबको डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। जेरी बोलता अच्छा ठीक है सर, आप सही बोल रहे हो। बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर एंड कवर इट अप। बट फॉर एक काम आप कर सकते हो, ये रिप्रेजेंट करने की क्या जरूरत है, आप एक ट्राउजर पहन लो, फुल पैंट पहन लो, और ये जो पैर है इसको कवर करके रख लो, कोई नहीं देखेगा इसको। जब कोई नहीं देखेगा तो कोई आप पे कमेंट नहीं करेगा, ये तो इजी तरीका है ना। आप तो शो कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप, अपने डिमेरिट्स को। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। और जब आपके पैर पूरी तरीके से ट्राउजर से ढके होंगे तो कोई इसके ऊपर फोकस नहीं करेगा, कोई नोटिस नहीं करेगा, कोई घूर के नहीं देखेगा। तो जेरी यहाँ पे सजेशन देता है मिस्टर लैम को, भैया आपका जब पैर एक नहीं है तो आपको एक ट्राउजर पहनना चाहिए, जो ट्राउजर आपके इस पैर को, जो कटा हुआ पैर है, इसको पूरी तरीके से ढक के रखेगा। जब लोग नहीं देखेंगे तो किसी तरह का आपके ऊपर कोई लोग कॉमेंट भी नहीं करेगा। हाँ ये तो बात सही कहा तुमने। मिस्टर लैम बोलते हैं सम डू, कुछ लोग करते हैं, सम डोंट, कुछ लोग इस पे केयर करते हैं, कुछ लोग केयर नहीं करते। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, और जो केयर करते हैं वो देखते 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 अपने ही थक जाएंगे, अंत में जाके थकेंगे ना। अब होता नहीं कि देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या है, कंडीशन यहाँ पे सिंपल अरे गांधी के जो भी मूवमेंट्स हुए उसमें गांधी ने क्या कहा, भाई किसी का विरोध करो तो नॉन वायलेंस तरीके से करो। विरोध ऐसा करो कि एक साल दो साल तीन साल वो बेचारा जाएगा कहां पे, कभी ना कभी तो देश छोड़ने चला ही जाएगा। तो किसी पे टेंशन करने की जरूरत नहीं, होता ना कि अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, जैसे मैं एक बार महात्मा बुद्ध जो है वो कपिला वस्तु मतलब आगे बढ़ रहे हैं और पीछे से कुछ लोग गाली दे रहे हैं उनको, नहीं है ये ढोंगी है भाई, ये दिस है दैट है, पता नहीं क्या क्या महात्मा बुद्ध को बोले जा रहे हैं, महात्मा बुद्ध साइलेंट मोड में जा रहे हैं। तब तक उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने बोला अरे महाराज आपको पीछे को लोग गाली दे रहे हैं, आपको सुनाई नहीं देता, आप बोले तो उन लोग को हम लोग जवाब दें। उन्होंने बोला कौन गाली दे रहा है, तो पीछे गाली दे रहे हैं फिर आपको, तो बोला कि तुमको सुनाई दिया क्या है, तो हमको तो सुनाई दे रहा है, मुझे तो सुनाई नहीं दिया, मैंने तो कुछ नहीं सुना। तो जब मैंने सुना नहीं तो फिर मेरे को उससे क्या मतलब है, गाली देने तो जो दे रहा है धीरे धीरे खुद साइलेंट हो जाएगा, चुपचाप हो जाएगा, कब तक बोलेगा? अगर मैं कोई रिएक्शन करूंगा तब तो जाके उस एक्शन का रिएक्शन होगा, तो अगर कोई कुछ बोलता है तो आप साइलेंट हो जाएगा। तो मिस्टर लैम्प यहाँ पे बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सम लोग कुछ लोग मेरे इस पे टेक केयर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते टेक केयर, और जो करते हैं टेक केयर वो देखते 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 अचानक खुद एटलास्ट थक जाएंगे।
देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू शेयर है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है, भूलने की जरूरत है। ऐसा नहीं केवल मेरा पैर ही है जिसके ऊपर तुमको घूरने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा तब तक डेयरी बोलता है, मैं गांधी जी का दोस्त बन गया हूं। नहीं भाई मैं गांधी जी का दोस्त नहीं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर लोगों को ध्यान देना चाहिए, लोग देखते हैं, ऐसा नहीं केवल मेरा पैर ही है जिसके ऊपर लोग टेक केयर करते हैं। तब तक डेरी बोलता है अच्छा फिर जैसे मैं मेरा पैर मेरा फेस ठीक है, जैसे मेरा जला हुआ चेहरा जो है उसके ऊपर लोग ध्यान देते हैं, यही ना आप कहना चाहते हैं। भाई तुम बार बार अपने ऊपर क्यों ले लेता है, लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप ए सिल्कन लेडर और माय टॉल सनफ्लावर। अरे नहीं मैं तुम्हारे चेहरे की बात नहीं करता, मैं बात कर रहा हूँ क्रैब एप्पल, जैसे मैं हमारे ये खट्टे एप्पल्स है इनकी बात कर रहा हूँ, मैं वीड्स की बात कर रहा हूँ, मैं स्पाइडर की बात कर रहा हूँ, मैं स्पाइडर की बात कर रहा हूँ, मैं स्पाइडर की बात कर रहा हूँ, मैं या फिर हमारा जो ये सनफ्लावर से मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये भी चीजें हैं जिसको लोग ध्यान दे सकते हैं। डेरी बोलता थिंग्स, आप सामानों की बात कर रहे हैं, वस्तुओं की बात कर रहे हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं इट्स ऑल रिलेटिव्स, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, ब्यूटी एंड द बीस्ट की बात अब यहाँ पे की जा रही है। एक बहुत ही फेमस पोएम था, एक स्टोरी टाइप है ब्यूटी एंड द बीस्ट। मिस्टर लैम बोलते हैं कि इट्स ऑल रिलेटिव, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट। डेरी यहाँ पे बोलता है अब व्हाट्स दैट सपोज्ड टू मीन, अब कहना क्या चाहते हो, क्लियर आप बताइए। तो पहले मिस्टर लैम बोलते हैं डू टेल मी, तुमने मुझे बताया, तुम बताओ मेरे को। देयर यू नीड नॉट थिंक दे हैव वन ऑल टोल्ड मी दैट फेयरी स्टोरी बिफोर, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उन लोगों ने मुझे आपसे पहले ये परियों की कहानी यही सारी कहानियां मेरे को नहीं सुनाया गया है, मैंने ये सारी कहानी सुन लिया है। इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, ये वो नहीं है जो तुम दिख रहे हो, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड, ये मतलब आप बाहर से क्या दिखते हो, एक्सटर्नल आपका फेस क्या है उससे मतलब नहीं है, इंटरनल आप कैसे हो इससे मतलब है। और यहीं पे एक फ्रेज है, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, खूबसूरत वह नहीं है जिसका चेहरा स्मार्ट है, खूबसूरत वो है होता है जिसका दिल स्मार्ट है। मतलब यहाँ पे इन्होंने कहने के मतलब डेरी ने बोला, तो डेरी पढ़ा लिखा भी बच्चा है, नॉलेज तो उसके पास अच्छा खासा है। तो एक बार कहा, एक बार स्टोरी क्या होता है कि ब्यूटी लव द मॉन्स्टुअस बीस्ट, मतलब एक खूबसूरत लड़की जो है वो एक जंगली किसी राक्षस बने होता है उससे, बहुत ही शैतान किस्म का आदमी, उससे वो लव करने लगती है उसके लिए। एंड व्हेन शी किस्ड हिम, और जब वो खूबसूरत लड़की उसको किस करती है, तो ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस, तो वो जो राक्षस है वो एक हैंडसम प्रिंस मतलब राजकुमार के रूप में बदल जाता है। मतलब इस ब्यूटी एंड द बीस्ट, बीस्ट उस स्टोरी में ये पूरा कंक्लूजन या शॉर्ट में बता रहा है कि ऐसा हुआ है। ओनली ही वुड नॉट, ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टरस बीस्ट, आई वोंट चेंज, अगर वो लड़की उसको किस नहीं की होती तो वो कभी भी नहीं बदलता, वो वैसा का वैसा ही राक्षस की तरह रहता। बट मैं, ओ नो, डेरी अपनी बात करते, आई वॉन्ट चेंज, मैं तो कभी नहीं बदलूंगा, मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं होने वाली। मिस्टर लैम अब बोलते हैं इन दैट वे नो यू वॉन्ट, उस तरीके से नहीं नहीं तुम नहीं बदलोगे, सही बात है डेरी। एंड नो वन
no one will kiss me, और मेरे को तो कोई किस भी नहीं करना चाहेगा, बिकॉज मेरा एक तरह का गाल जो है पूरा जला हुआ है. Only my mother and she kisses me on the other side of my face. केवल मेरी माँ है जो मुझे किस करती है. अब वो भी मेरे दूसरे तरफ जो चेहरे हैं उधर की तरफ, जो तेजाब से जला हुआ है, एसिड से जला हुआ उधर की तरफ वो किस नहीं करती. अब वो भी ऐसा जैसे मैं वो मजबूरी में वो ऐसा कर रही है. I don't like my mother to kiss me. मैं पसंद नहीं करता कि जो मेरी माँ मेरे को किस करती है. She does it because she has to. वो दबाव में ऐसा करती है कि भाई मेरा बच्चा हूँ, उनका अपना उनका लड़का हूँ, तो उनको ये करना है, इसलिए वो करती है. Why should I like that? मैं क्यों ये पसंद करूँ? I don't care if nobody ever kisses me. कोई मेरे को कभी किस ना करे, मैं इसका केयर नहीं करता. Mr. Lamb बोलते हैं, आह, but you care if you never kiss them. लेकिन तुमको इसका केयर जरूर करना चाहिए कि तुम उन लोगों को किस ना कर सको कभी. Jerry, what? क्या बता रहे हो आप? Mr. Lamb बोलते हैं, yes, girls, pretty girls. लड़कियां जो खूबसूरत लड़कियां होती है, लॉन्ग हेयर, लार्ज आईज, पीपल्स यू लव, मतलब वैसे लोग जिनको तुम पसंद करते हो, उनको तुम किस ना कर सको तो तुम्हें अफसोस जरूर रहेगा. जेरी यहां पे बोलता है, ओके, वुड लेट मी, नॉट वन, कौन मेरे को अलाउ भी करेगा? कोई नहीं. मिस्टर लैम, हु कैन टेल, कौन कह सकता है? Jerry बोलता है, I won't ever look different. मैं कभी भी अलग नहीं दिखूंगा. When I am as old as you, जब मैं आपकी तरह हूंगा ना, तो कोई different नहीं होगा, फिर मैं ऐसा ही रहूंगा. I will look like same. मैं जैसा हूँ उसी तरह जल दिखाई दूंगा. मेरा एक गाल जला हुआ रहेगा. अब भाई ये तो रहेगा तुम्हारे अंदर, ये तो बदलाव नहीं आएगा. I will still only have a half face. हमेशा मैं कितना भी old हो जाऊं, मेरा फेस हमेशा आधा ही रहेगा, हाफ ही रहेगा. अब मिस्टर लैम्ब यहां पे बोलते हैं, हाँ ये तो सही बात है. सो यू विल, बट द वर्ल्ड, तुम उसी तरह रहोगे, दुनिया में ऐसी नहीं रहेगी. द वर्ल्ड गॉट अ होल फेस, पूरी दुनिया के पास एक चेहरा है. एंड द वर्ल्ड डियर टू विल लुक दैट, और दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके ऊपर तुम्हें देखना चाहिए. जेरी अब बोलता है यहाँ पे, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड गार्डन. अब ये बोलता है कि आपको क्या लगता है कि ये दुनिया है, ये पुराना, ये जो गार्डन आप जिसमें बैठे हो, यही पूरी दुनिया है आपकी? मिस्टर लैम बोलते हैं, वन आई एम हियर, नॉट द ओनली वन, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर. जब मैं यहाँ पे हूं तो ऐसा नहीं है, बट मेरे लिए तो ये गार्डन जो ये पूरी दुनिया के समान है. डेरी अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डज योर लेग हर्ट यू, आपका पैर नहीं है, इससे क्या आपको दुख नहीं होता, आपको कष्ट नहीं होता? मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, टीन डज नॉट हर्ट बॉय, पैर नहीं है तो क्या हुआ, टीन वाला पैर है ना, ये मेरा सपोर्ट करता है, ठीक है, और इसके मदद से मैं अप एंड डाउन कर सकता हूँ, तो मेरे को ज्यादा कष्ट नहीं होता. तो जब मुझे कष्ट नहीं होता तो तुम्हारा एक तरफ का फेस जला हुआ तो तुम क्यों प्रॉब्लम है? Jerry, when it came off, did it? आखिर ये जो आपके साथ घटना घटी है, घटना कैसे घटी? तो यहां पे देखो, ये पॉइंट आउट हम लोग कर लेंगे, ठीक है, हम लोग यहां तक मिस्टर लैम तक रखते हैं. When I'm here, not the only one, but the world. इसके बाद हम लोग एक बार फिर से ऊपर से रिकैप कर लेते हैं. मिस्टर लैम तक हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया है. एवरीबॉडी इस पे यहां तक आप लोग टिक आउट कर लेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम में वर्कआउट करेंगे. मैं एक बार फिर से ऊपर से रिकैप कर देता हूँ कि क्या क्या आप लोगों ने आज क्लासेस में पढ़े. एक बार फिर से रिकैप कर लो. तो देखो, अभी तक हम लोगों ने स्टडी क्या किया, डिस्कस क्या किया, कि मिस्टर लैम और डेरी दोनों के अंदर एक एक निगेटिव पॉइंट्स है. मिस्टर लैम के पैर नहीं है तो डेरी का एक तरफ का फेस पूरा तेजाब से जला हुआ है, एसिड से जला हुआ है.
दूसरा पॉइंट क्या है कि आपने देखा क्या की डेरी चुपचाप मिस्टर लैम जो है उनके गार्डन के अंदर इंटर कर जाता है, इंटर करता है तो मिस्टर लैम जो है वो पूछते भाई ग्रामर पोर्शन चैप्टर लिटरेचर खत्म हो गया रही तू लिटरेचर आपको खत्म हो गया पक्का एवरीबॉडी आप लोग जिस दिन बोल दोगे कि फॉर लिटरेचर हम लोग का हो गया रहने दीजिए हम लोग ग्रामर स्टार्ट कर देंगे क्योंकि फिर लिटरेचर से जब लिटरेचर से मैं जब बाहर निकलूंगा तो फिर लिटरेचर में हम लोग वापस नहीं आएंगे इसकी तैयारी आप लोग खुद कर लेंगे सर आप लोग जब मेरे को बोल दोगे कि लिटरेचर पर रहने दीजिए अब स्टॉप कर दिए हम लोग लिटरेचर अपना फाइनलाइज कर लिए वर्कआउट हो जाएगा उसके बाद हम लोग केवल ग्रामर एंड राइटिंग पोर्शन पे एंट्री कर जाएंगे डन क्योंकि फिर अब यहां से हम लोग ग्रामर पे जाएंगे ग्रामर के बाद फिर लिटरेचर पे कि फिर लिटरेचर का वो चैप्टर बाकी है वो कर दीजिए तो ये चैप्टर और इसके बाद एक और चैप्टर दो चैप्टर बाकी है तो मुझे लगता है कि इस वीक में हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर बुक ही खत्म हो जाएगा इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा फिर आप लोग को फ्लेमिंगो का जो चैप्टर में अगर उधर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम लोग देखेंगे अदरवाइज इसका आप लोग वर्कआउट है इसका नोट सोर्स तो इंग्लिश का तो कोई नोट्स चाहिए नहीं बुक को रीड करोगे इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर लोगे इसके आप लोग क्वेश्चन भी चाहिए क्वेश्चन चाहिए प्लस उसके आंसर भी चाहिए क्या केवल क्वेश्चन दिया जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल दे दिए जाए हर चैप्टर्स के तो हो जाएंगे आप लोग के एवरीबॉडी हर चैप्टर वाइज अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देना होगा तो क्या बात करते हैं पंकज आंसर भी चाहिए आप लोग आंसर खुद करके नहीं वर्कआउट करा लोगे मैं केवल क्वेश्चन आप लोगों को कर देता मैं सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस उसके आंसर मैं सेंड कर दूंगा और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो मैं केवल क्वेश्चन आपको दे दूंगा आंसर आप लोग करके मेरे को चेकआउट करा लीजिएगा अब क्वेश्चन प्लस उसका आंसर लिख लिख के मैं अगर सेंड करूं तो भाई प्रॉब्लम इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी वही है कि केवल वो जैसे टेंथ में लिखा है ना पंकज टेंथ में जैसे लिखा है उसी तरह ट्वेल्थ में लिखना है ऐसा नहीं कि चार पेन लेके लिखने हैं आंसर सेम उसी तरह लिखना है तो उसमें देखना क्या है आप जो क्वेश्चन है उसका पहले फेयर तैयारी क्वेश्चन लो और क्वेश्चन के आंसर तरीके से करो और तरीके पे करके उसको एक बार चेकअप करा लो कराना है तो और उसको तरीके पे पहले रीड करिए आप पहले लिखने का प्रैक्टिस करो अब 7-8 में नहीं ना कि उसका आंसर लिख के रटोगे वही मैं बता रहा हूँ पहले क्वेश्चन में सेंड कर दे पहले मैं फ्लेमिंगो के सारे क्वेश्चन कर देता हूँ फ्लेमिंगो के सारे क्वेश्चन में आप लोगों को सेंड कर दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन सेंड करने के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सेंड कर रहा हूँ जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं अब मुझे लगता है कि आप लोग का सैंपल पेपर भी एग्जाम का आ चुका है शायद मार्केट में मैंने कोई स्टूडेंट बता रहे थे कि सैंपल पेपर शायद आ चुका है इंग्लिश का भी आ चुका है सारे सब्जेक्ट के साथ तो सैंपल पेपर आ चुका है तो सैंपल पेपर आप लोग ले लेंगे हाँ सैंपल पेपर आप लोग ले लेंगे उसका हम लोग प्रैक्टिस तो मैं फर्स्ट फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर्स जो है विथ पोएट्रीज
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सेंड करा दे रहा हूँ। इसके बाद विस्टास जो है इसके सारे क्वेश्चन सेंड करा दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग वर्कआउट करते रहेंगे घर पे, और मुझे लगता है कि चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो ज्यादा कुछ एक दो बार रीड कर लोगे ना। वही मैं बता रहा हूँ 2021 का ही सैंपल में, तो वही ले लीजिए। तो मैं तो जहां तक 10th में तो बच्चे लोग ज्यादा तैयारी भी नहीं करते, केवल चैप्टर पढ़ लिए। अगर ग्रामर थोड़ा बहुत ठीक ठाक है तो आप लोग आंसर्स खुद लिख सकते हो, ज्यादा उतना बस ग्रामर पोर्शन पे थोड़ा बहुत फोकस करना होगा। लेटर राइटिंग जो है उस पर हल्का फोकस करना होगा और कुछ भी नहीं। तो और क्या करना है, इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग सेंड कर देंगे, आप लोग चिंता नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद का जो चैप्टर है फॉर अगला पॉइंट, तो ये हम लोग पहले करेंगे कि विस्टास को खत्म कर लेंगे, और उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा। आप क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, और क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करते हो इधर हम लोग ग्रामर ट्राई करते रहेंगे, ग्रामर आगे कर लेंगे और लिटरेचर राइटिंग जो है वो कर लेंगे। ज्यादा कुछ अब वर्क नहीं करना है, मेन आपका लिटरेचर खत्म हो गया, टेंशन खत्म हो गया। अब 20 नंबर का तो तुम्हारा ये है, 20 मार्क्स के तो आपके कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारा आता है जी। 10th में तो बना ही होगे, तो उसका भी प्रैक्टिस करना होगा आप लोग को, 20 मार्क्स का कैसे क्या करना है। और 10th में आपने जो नोटिस पढ़ा है, लेटर राइटिंग पढ़ा है, पोस्टर करना है, डायरी वायरी, ये सब चीजें, यही सब तो तुम्हारा 10th का जो था वही 12th में भी आ रहा है। एक दो को बदल दिया जाए तो आर्टिकल वर्टिकल भी है तुम्हारा 12th में, तो लेटर राइटिंग तो सेम है, पर 20 मार्क्स का तुम्हारा स्टार्टिंग का जो कॉम्प्रिहेंशन है वो देखना होगा, उसके लिए तो प्रैक्टिस करना होगा हम लोग को। तो है ये सब चीजें, इसको वर्क हम लोग करेंगे। तो पहले ये चैप्टर, पहले विस्टास खत्म कर लो। विस्टास खत्म करने के बाद नोवेल खत्म कर दिया है, विस्टास खत्म करने के बाद हम लोग ग्रामर पढ़ते रहेंगे। इधर पे मैं आपको फ्लेमिंगो के सारे क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, आप लोग वो क्वेश्चन शेयर कीजिएगा। इससे मैं सैंपल पेपर भी ले लो, सैंपल पेपर में भी वर्क करते रहो, जहाँ पे जिसको जैसे डिस्कशन करने होंगी करते रहेंगे हम लोग। और हम लोग डिस्कस यही 7-8-9 स्टूडेंटों के साथ ही करेंगे, जो स्टूडेंट यहाँ पे कंटिन्यू ज्वाइन किए हैं। जो अनजान स्टूडेंट है वो आएंगे, पूछेंगे तो मुझे पता थोड़ी ना है किसने क्या पढ़ा है। देखिए सब एंजॉय कर रहा है, इंग्लिश का पेपर तो आ रहे, तो मैंने तो एक बार क्लास लिया था ना आप लोग का, जिसमें मैंने देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको 10th में भी कमांड नहीं है, उनको भी इंग्लिश से कोई फिक्र नहीं है। खैर चलिए, अपनी अपनी सोच है, एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे हम लोग। कुछ और पूछ रहे हैं आप लोगों को, एनीबडी? और किसी को कुछ पूछना है? यहाँ पे देखो एमडी सारिक जो है वो न्यू स्टूडेंट है, एमडी सारिक जो है फर्स्ट टाइम शायद ये ज्वाइन कर रहे हैं। नो पूछने पर यही तो वो चैप्टर पढ़िए, यही तो चैप्टर आपको पढ़ना है। अब कुछ नहीं है, कोई नोवेल वोवेल कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, यही तो नहीं पच रहा है स्टूडेंटों को, नोवेल लेके आएगा क्या भी प्रॉब्लम हो जाए। यहां से एक ब्रेक ले हम लोग, एंड द क्लास करते हैं हम लोग, ओके।